हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल HBD फिट बॉडी पर। दोस्तों, हम लोग आज जानने वाले हैं फिश ऑयल कैप्सूल या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ऐसे चीजों का भी सेवन करना चाहिए जिसमें यह एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ट्यूना, हेलीबेट, शैवाल, क्रिल जैसी मछलियों में मिलता है। दोस्तों, शरीर में इस एसिड की कमी पूरा करने के लिए फिश ऑयल का उपयोग किया जाता है या फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मछली के तेल के सेवन से कई सारे फायदे हैं, लेकिन आप लोगों को शायद यह पता नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इसके फायदों के बारे में नहीं पता है तो आपको वीडियो कम्प्लीट देखना है दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फैटी एसिड के बारे में। दोस्तों, ओमेगा 3 फिश ऑयल वजन घटाने से लेकर त्वचा, बाल और हड्डियों को मजबूत रखने में भी फायदेमंद है। दोस्तों, इसमें मौजूद DHA और EPA नामक तत्व परफेक्ट बॉडी शेप बनाए रखने में आपकी मदद करता है। यह ऑयल फिश कैप्सूल के रूप में भी जाना जाता है। के फायदे जानकर आप काफी हैरान हो सकते हैं। कई लोग फिश ऑयल कैप्सूल्स के बारे में भी नहीं जानते हैं और उनको पता भी नहीं है ये कैप्सूल है क्या और कैसे बनता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हम लोग इसके कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों, मछली खाने के फायदे से आप बखूबी परिचित होंगे, लेकिन मछली का तेल भी आपके शरीर के लिए काफी वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मछली का तेल औषधीय गुणों से भरपूर है। दोस्तों, इसमें मौजूद कई सारे पोषक तत्व तो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं, साथ ही साथ त्वचा और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मछली के तेल का सेवन से हड्डियों को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। यह हड्डी संबंधी रोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कमजोर हड्डियों को ठीक करने में आपकी मदद करता है। इसका सेवन आपकी हड्डियों के घनत्व यानी कि डेंसिटी को बढ़ाता है और हड्डियों के कम होते घनत्व को रोकने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक मछली के तेल में मौजूद होता है। दोस्तों, मछली के तेल से वजन भी घटाया जा सकता है। दोस्तों, एक शोध के मुताबिक 6 ग्राम रोजाना मछली का तेल शरीर से अतिरिक्त फैट कम करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, फिश ऑयल सप्लीमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए ये काफी फायदेमंद है। फिलहाल इस पर अभी शोध की आवश्यकता है। तो मछली का तेल या फिर कैप्सूल त्वचा के बाहरी परत को बेहतर बनाता है और आपके सुंदरता को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, बात करें नेत्र के लिए, तो दोस्तों मछली का तेल आपके नेत्र के विकार में भी फायदेमंद है। इसका सेवन उम्र के साथ बढ़ती आँखों की समस्या को भी कम करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, ये आपके बालों के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बाल घने, काले और चमकदार बनने लगेंगे। तो दोस्तों, इसके हम लोग फायदों के बारे में जान लिया है, अब हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, फिश सप्लीमेंट खाने के बाद स्किन पर किसी तरह के लाल निशान या रैशेज दिखाई दे तो इसका सेवन करना बंद कर दें और डॉक्टरी सलाह के बिना इसका सेवन ना करें, जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है। दोस्तों, कैप्सूल खाने के बाद में आपको कई बार आपके जीभ का स्वाद भी खराब हो सकता है और इसके कारण आपके जीभ पर कई सारे छाले हो सकते हैं। दोस्तों, इससे बदहजमी, डायरिया, उल्टी की परेशानी हो तो इन कैप्सूल का सेवन ना करें और अपने मर्जी से इसे ना खाएं, किसी डॉक्टर के सलाह पर ही इसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, कैप्सूल खाने के बाद में पेट में गैस, डकार आ रहे हैं तो इसका सेवन बंद कर दें। दोस्तों, मछली का तेल से बने कैप्सूल पचाने में भी परेशानी होती है। कुछ लोगों को ये खाने के बाद बुखार, छींके, जुकाम या गले की खराश जैसी परेशानियों से झेलना पड़ सकता है। सो दोस्तों, आज हम लोगों ने ओमेगा 3 या फिश ऑयल कैप्सूल के फायदे और नुकसान के बारे में जाना। दोस्तों, ये कैप्सूल आपको मार्केट में फिश ऑयल या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से मिल जाता है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोई विशेष महंगी कैप्सूल्स भी नहीं है, आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करना जरूर। दोस्तों, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।